तो हे गाइस, क्या हाल आप सभी के। होप आप सारे सेफ होंगे इस कोविड के सिचुएशन में। और गाइस, आज मैं आपके लिए लेके ऐसे 7 बेस्ट लैपटॉप जो कि आप बाई कर सकते हो अंडर 70,000 रुपीज़। तो अगर आपका भी बजट 55,000 से लेके 70,000 रुपये के बीच में है तो वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं आपको 2 ऐसे लैपटॉप्स बताऊंगा जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जिनको ऑफिस के काम करने रहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने रहती है उनके लिए। और बाकी के जो बचे 5 लैपटॉप्स वो रहेंगे गेमर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर कोई आप में से कोई स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएं जैसे हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। सो लेट्स रोल द इंट्रो। शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के सबसे पहले लैपटॉप से जो कि आता है Xiaomi की तरफ से आने वाला एम आई नोटबुक होराइजन एडिशन 14। ये जो लैपटॉप है आपको 60,000 में मिलता है। इसमें आपको 8GB रैम, 512GB SSD और विंडोज 10 इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको इंटेल की तरफ से आने वाला i7 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। तो आपको मल्टीटास्किंग वगैरह करने में इस लैपटॉप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस लैपटॉप के साथ। अगर बात करें इस लैपटॉप के ग्राफिकल परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको NVIDIA की तरफ से आने वाला MX350 का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो कि 2GB का ग्राफिक कार्ड है। तो आप इस पे एंट्री लेवल के गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं और कुछ बेसिक लेवल की एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं इस लैपटॉप में, आपको उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो इसमें आपको एक 14 इंच का FHD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। तो इनकेस अगर आप अपने लैपटॉप को आउटडोर्स में यूज़ करना चाहते हैं तब आपको विजिबिलिटी वगैरह में इस लैपटॉप के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करें इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप के बारे में तो कंपनी क्लेम करती है 10 घंटे का बैकअप, लेकिन आपको एवरेजली 6 से 7 घंटे तक आपको बैकअप बड़े आराम से इस लैपटॉप में मिल जाएगा। अगर बात करें इस लैपटॉप के कुछ मेजर कॉन्स के बारे में तो इस लैपटॉप में मुझे 3 मेजर कॉन्स लगे। पहला, इसमें जो रैम यूज़ किया गया है वो 8GB का रैम है और वो शोल्डर किया हुआ है। तो इन केस अगर आपको रैम अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप फ्यूचर में उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। दूसरा, इस लैपटॉप का मुझे मेजर कॉन ये लगा कि इस प्राइस रेंज में आपको किसी भी तरीके की बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलती है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा, इस लैपटॉप में मुझे मेजर कॉन ये लगा कि इसमें जो वेबकैम दिया गया है वो इनबिल्ट नहीं है। तो इन केस अगर आप सपोज़ बहुत ज़्यादा आपको आपके काम के बिज़नेस के सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और आपको बिज़नेस मीटिंग्स भी अटेंड करनी रहती हैं ऑनलाइन, अगर आपका वेबकैम कहीं पे छूट जाता है, सपोज़ घर पे ही छूट जाता है, तो उस केस में आप काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो इस लैपटॉप के साथ। बढ़ते हमारे लिस्ट के नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ जो कि आता है Asus की तरफ से आने वाला Vivo Book S14। ये जो लैपटॉप आपको 59,000 का मिलता है, इसमें आपको 8GB रैम, 512GB SSD और विंडोज 10 इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है जो कि है 32GB का ऑप्टेन मेमोरी जो कि इंटेल ने डेवलप किया है। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। आपका जो 512GB का SSD इस लैपटॉप में मिलता है उसी में आपको एक ऐसा चिप मिल जाता है जिसमें आपको 32GB की कैश मेमोरी मिल जाती है। तो इनकेस अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको 8GB का रैम कम पड़ रहा है, उस केस में आपका सिस्टम क्या करेगा, वो जो 32GB की कैश मेमोरी है उसको यूटिलाइज़ करेगा और आपके जो भी आपका टास्क है उसको परफॉर्म करेगा। तो फ्यूचर में आपको रैम अपग्रेड करने का जो भी लफड़ा है वो आपको सर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको इंटेल की तरफ से आने वाला i5 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है। इसमें आपको इंटेल की तरफ से आने वाला UHD ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है जो कि चिप के ऊपर में ही इनबिल्ट रहता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो ये बिल्कुल सेम वेट है इसका भी जो Xiaomi का लैपटॉप था, 1.35 kg, इसका भी उतना ही वेट है। अगर बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको एक 14 इंच का FHD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। और इसका जो पैनल है वो Xiaomi वाले से ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 100% sRGB इस लैपटॉप के साथ मिल जाता है। तो अगर आप फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं जिसपे आपको कलर करेक्शन का काम करना रहता है, उस केस में आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। और Xiaomi के तरफ से जो भी आए थे, जो भी कॉन्स थे पिछले लैपटॉप्स में, वो सारा इस लैपटॉप में आपको वो कवर अप होके मिल जाता है और कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर बात करें इस लैपटॉप के वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में तो इसमें आपको वाईफाई 6 का कार्ड मिल जाता है और ब्लूटूथ का 5.0 का वर्जन मिल जाएगा। इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा तो आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अंगूठा लगाओ और आपका काम हो जाएगा। अगर बात करें इस लैपटॉप के कुछ प्रोज के बारे में तो इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाती है जो कि आपको Xiaomi के लैपटॉप में मिसिंग था। दूसरा, इसमें आपको 32GB की ऑप्टेन मेमोरी मिल जाती है, तो जिस अगर आपको 8GB रैम कम पड़ता है उस केस में आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ये 32GB का कैश मेमोरी यूज़ करेगा और आपके टास्क को परफॉर्म करेगा। तीसरा, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि बहुत ही रेयरली आपको इस तरीके के लैपटॉप से मिलता है। चौथा, इसका जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। चलो, तो अब ये तो बातें हो गई उन लैपटॉप्स के बारे में जिनको ऑफिस के बोरिंग काम करने रहते हैं, मेल्स चेक करने रहते हैं और ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी रहती हैं।
अब बात कर लेते हैं उन लैपटॉप्स के बारे में जो कि आते हैं अपने गैंग वाले बंदों के लिए, जो कि हैं कंटेंट क्रिएटर्स, गेमर्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस पूरे लिस्ट में आपको क्या क्या कॉमन फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में पूरा समराइज़ करके बताता हूँ, एक लिस्ट आउट करके, ताकि सेम चीज़ें मैं बार बार रिपीट ना करूं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर भी ना हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूं। ये जो पूरी लिस्ट रहेगी इसमें आपको मिनिमम 8 GB रैम मिल जाएगा, 512 GB का या तो आपको SSD मिल जाएगा या फिर 1 TB का आपको हार्ड ड्राइव और 256 GB का SSD वाला एक स्टोरेज सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बात करें अगर डिस्प्ले के बारे में तो सब में आपको 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले मिल जाएगा। बैटरी बैकअप सब में आपको 2.5 से 3 घंटे तक का आपको एवरेज बैकअप मिल जाएगा। अगर बात करें ग्राफिक कार्ड के बारे में तो सब में आपको 1650 Ti वाला वेरिएंट मिल जाता है, जो कि 4 GB के ग्राफिक मेमोरी कार्ड के साथ आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरे लिस्ट का जितना भी लैपटॉप है इन सब में आपको RGB का कीबोर्ड मिल जाएगा। तो बढ़ते हमारे लिस्ट के पांचों नंबर के लैपटॉप की तरफ, जो कि आता है HP की तरफ से आने वाला HP Omen। ये जो लैपटॉप है आपको 70,000 रुपये में मिलता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो राइजन का 54600H है, तो आपको मल्टीटास्किंग वगैरह करने में इस लैपटॉप में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस लैपटॉप का थर्मल काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप हैवी इंटेंसिव वर्क करते हैं उस केस में इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। इस लैपटॉप का मुझे जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये लगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही एवरेज है। 15.6 इंच का आपको एक फुल HD प्लस पैनल वाला IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 Hz है। और इसके पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 250 nits का ही पीक ब्राइटनेस मिलता है, जो कि बहुत कम है। और इसका जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको सिर्फ 45% NTSC के साथ आता है। तो कंसिडरिंग इतना पैसा पे करो आप और इस तरीके की चीप क्वालिटी की आपको पैनल मिलती है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता अपने प्राइस को, और इस वजह से ही हमारे लिस्ट में सबसे नीचे है। अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट के बारे में तो ये जो लैपटॉप आपको 2.35 kg का मिलता है। RGB कीबोर्ड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और बात करें अगर इस लैपटॉप के वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में तो इसमें आपको सारे लेटेस्ट कार्ड मिल जाएंगे, वाईफाई 5 वाला वर्जन मिल जाएगा और ब्लूटूथ का आपको 5.0 वाला वर्जन मिल जाएगा। बात करें अगर इस लैपटॉप के रैम अपग्रेड के बारे में तो आप इसमें मैक्सिमम 16 GB तक इस लैपटॉप को पुश कर सकते हो, तो 8 GB का आपको ऑलरेडी रैम मिल रहा है। 8 GB का आप एक और स्लॉट इस लैपटॉप में लगा के इसके रैम को टोटल 16 GB तक पुश कर सकते हो। बढ़ते हमारे लिस्ट के चौथे नंबर के लैपटॉप की तरफ, जो कि आता है लेनोवो की तरफ से आने वाला आइडिया पैड गेमिंग 3। ये जो लैपटॉप है आपको 64,000 का मिलता है। अगर आप इस पे बैंक के कार्ड और ऑफर लगाते हैं तब आप इस पे 1,500 रुपये का और डिस्काउंट निकाल पाओगे। अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो राइजन का 54600H है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। तो इनकेस अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं तब आप बेझिझक होकर इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसका जो पैनल का क्वालिटी है हमारे पिछले वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी पैनल के क्वालिटी के साथ आता है। ऑल्दो पेपर पे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो HP का और इसका सेम है, 250 nits का आपको पीक ब्राइटनेस मिलता है और दोनों के दोनों 60 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। कंसिडरिंग द प्राइस और जो पैनल की क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है हमारे HP वाले लैपटॉप से, और थर्मल्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ प्रोज और एंड कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स में मुझे बस एक ही चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगी कि इसमें जो रिफ्रेश रेट आपको मिलता है वो 60 Hz है, कंसिडरिंग ये एक गेमिंग लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप में 60 Hz का स्टैंडर्ड डिस्प्ले देना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और बात करें अगर इस लैपटॉप के कुछ प्रोज के बारे में तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट खाली मिल जाता है 2.5 इंच के SATA SSD के लिए, या फिर आप एक हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। इनकेस अगर आपको 512 GB कम पड़ता है उसके इसमें आप अपना स्टोरेज वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो। बढ़ते हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर के बेस्ट लैपटॉप की तरफ, जो कि आता है Asus के तरफ से आने वाला Asus टफ गेमिंग F15। ये जो लैपटॉप है आपको 64,000 में मिलेगा। अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको इंटेल का i5 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, तो आपको मल्टीटास्किंग वगैरह इस लैपटॉप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करें इस लैपटॉप के रिफ्रेश रेट के बारे में तो इस लैपटॉप में जो पैनल यूज़ किया गया है वो 144 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट के बारे में तो ये जो लैपटॉप आपको 2.3 kg के साथ आता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के रैम एक्सपेंशन के बारे में तो आप इसमें मैक्सिमम 32 GB का रैम लगा सकते हैं। तो इनकेस अगर आपको रैम कम पड़ता है और आप इस पर वीडियो एडिटिंग जैसे काम करना चाहते हैं उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 8 GB का आप रैम निकाल सकते हैं और 16 GB के आप दो किट इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ कॉन्स के बारे में। ये जो लैपटॉप है इसका CPU का टेम्परेचर अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हाई चला जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लो कि अगर HP का कोई लैपटॉप है उसमें अगर 85 या 88 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है मैक्सिमम, तो इसमें 95 डिग्री तक पुश कर जाता है।
तो उस चीज़ की वजह से अगर आप लॉन्ग सेशन में आप काम करना चाहते हो इस लैपटॉप पे, वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू मिलेगा इस लैपटॉप के साथ। अगर बात करें इस लैपटॉप के कुछ प्रोज के बारे में, तो ये जो लैपटॉप है इस पूरी लिस्ट का सबसे बेस्ट और सबसे स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट खाली मिल जाएगा आपके मेमोरी एक्सपेंशन के लिए, जो आपका स्टोरेज है 512 GB। इन केस अगर आपको कम पड़ता है तब आप इसमें एक और साटा SSD लगा के इसके ऐसा अपने स्टोरेज को और इन्हांस कर सकते हो। बढ़ते हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर के बेस्ट लैपटॉप की तरफ, जो कि आता है एसर की तरफ से आने वाला एसर नाइट्रो 5। ये जो लैपटॉप आपको 68,000 में मिलता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको इंटेल का i5 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। अगर बात करें इस लैपटॉप के स्टोरेज के बारे में, तो इसमें आपको 256 GB का SSD मिल जाएगा और 1 TB का आपको हार्ड ड्राइव मिल जाता है। इसका जो RPM है आपको 7200 RPM वाला ये आपको हार्ड ड्राइव मिल जाएगा, तो जो स्पीड रहेगी हार्ड ड्राइव की वो ज़्यादा फास्ट रहेगी आपको कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में। अगर बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले मिल जाता है। जो रिफ्रेश रेट है वो आपको कम मिलता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस लैपटॉप में मिलता है। बात करें इस लैपटॉप के वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो ये जो लैपटॉप है आपको 2.3 kg के वेट के साथ आता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के रैम एक्सपेंशन के बारे में, तो आप इसमें मैक्सिमम 32 GB तक के रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। अगर बात करें इस लैपटॉप के वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, तो आपको सारे के सारे जो भी कार्ड्स मिलते हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट कार्ड है, Wi-Fi 5 मिल जाएगा और ब्लूटूथ का 5.0 का वर्जन आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के बेस्ट लैपटॉप के बारे में, जो कि आता है HP की तरफ से आने वाला HP Pavilion Gaming। ये जो लैपटॉप है आपको 68,000 में मिलेगा। अगर बात करें इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 5 4600H है, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के बारे में, तो इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट के बारे में, तो ये जो लैपटॉप आपको 1.98 kg का है। बात करें अगर इस लैपटॉप के स्टोरेज एक्सपेंशन के बारे में, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट खाली मिल जाता है, तो इन फ्यूचर अगर आपको 512 GB कम पड़ता है स्टोरेज के लिए, उसके इसमें आप 2.5 इंच का साटा SSD लगा सकते हो, चाहे वो 500 GB का हो, 1 GB का या 2 GB का, श्रद्धा के अनुसार आप उसमें अपना SSD एक्सपेंशन कर सकते हो। इस लैपटॉप का थर्मल जो कूलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप लॉन्ग सेशन में गेमिंग करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह जैसे हैवी लोड वाले काम करते हैं, उस केस में ये लैपटॉप आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। अगर बात करें इस लैपटॉप के वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, तो आपको वाईफाई 6 का कार्ड मिल जाता है और ब्लूटूथ का 5.0 वाला वर्जन मिल जाएगा, तो वायरलेस कनेक्टिविटी में भी आपको ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। इस लैपटॉप का बस एक और मुझे ये लगा कि पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, आपकी ओपिनियन चेंज हो सकती है। एसर नाइट्रो 5 पहले नंबर पे आ सकता था अगर उसमें आपको रिफ्रेश रेट 144Hz का मिलता, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आपको जो भी इन दोनों में लैपटॉप्स में से जो भी पसंद आता है, आप उन लैपटॉप्स के साथ जा सकते हो, दोनों ही बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स हैं। आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सा था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, काफ़ी देर से शूटिंग कर रहा हूँ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस।